अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम था कैनाल रेज की डिस्कवरी हमने कर ली थी, आज जो हमने चीज़ डिस्कस करनी है वो है कैनाल रेज की प्रॉपर्टीज़। कहता हमने ना क्या किया, कैनाल रेज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट देखा। तो ये हमने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कैनाल रेज पैदा हो रही थी, तो ये इसके ऊपर देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट है, मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट है। कहता यहाँ से इस साइड से ये हमारे पास था कैथोड और ये हमारे पास था एनोड, और ये कैथोड हमने यूज़ किया था वो परफोरेटेड था। सही, लेफ्ट से राइट की तरफ यहाँ पे रेज मूव कर रही थी, इस साइड से इस साइड की तरफ। सही है, अब हमने क्या किया, यहाँ पे मेटल की एक पतरी पॉजिटिव टर्मिनल वाली लगा दी, यहाँ पे नेगेटिव यानी नेगेटिव प्लेट लगा दी। कहता जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूँ तो ये वाली रेज जो थी ये नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर दी। यहाँ से एक अंदाज़ा लगा लिया कि जो रेज है इनके ऊपर कौन सा चार्ज है, क्योंकि ये नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव कर रही हैं, इनके ऊपर कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज है। सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ने ये साबित किया कि ये जो रेज है कैनाल रेज, इनके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। कैनाल रेज शोज डिफ्लेक्शन, कैनाल रेज क्या करती हैं, डिफ्लेक्शन को शो करती हैं, शोस डिफ्लेक्शन। अच्छा, डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है अपने रास्ते से, जिस तरह ये सीधी जा रही थी, सीधी जाते जाते अपना रास्ता चेंज कर लें, इस तरह नीचे की तरफ मूव हो जाए, इस चीज़ को हम कहते हैं ये डिफ्लेक्ट हो गई हैं। क्या हो गई हैं, डिफ्लेक्ट हो गई, शोस डिफ्लेक्शन, ये डिफ्लेक्शन शो करती हैं इन इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्शन शो करती हैं। और इससे हमें क्या पता चला कि पॉजिटिव रेज पे पॉजिटिव चार्ज होता है, या पॉजिटिव रेज या कैनाल रेज, इट शोज दैट ये जाहिर करती हैं, दीज रेज ये जो रेज है ये रखती हैं, दीज रेज हैज पॉजिटिव चार्ज। और इसके बाद जो सेकंड नंबर पे प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है, कहता जिंक सल्फेट की प्लेट ले लें, जिंक सल्फेट की प्लेट लेके, जिंक सल्फेट है मेटल, कहता इसको आप सामने लगा दें और ये जो रेज है अगर इसके ऊपर जाके टकराती हैं तो फ्लैशेस पैदा होते हैं। कहता ये रेज जाके जैसे ही टकराती हैं इसके ऊपर, सही है, रेज असल में है क्या, पॉजिटिव चार्ज वाली चीज़ें, कहता जाके टकराएंगी, जैसे ही जिस जगह पर टकराती हैं वहाँ पे फ्लैशेस पैदा होते हैं। अब ये फ्लैशेस क्या होते हैं, फ्लैशेस असल में लाइट ही होती है। सही है, मोबाइल का जो पीछे फ्लैश लगा होता है ना, फ्लैशेस और लाइट में थोड़ा सा फ़र्क है, ये बात याद रखिएगा। फ्लैशेस होते हैं, एक लाइट सडनली एक्सपोज हो फिर बंद हो जाए, फिर सडनली चले बंद हो जाए, जिस तरह आप मोबाइल पे पिक लेते हैं वो पीछे से फ्लैश चलता है बंद हो जाता है, वो चीज़ फ्लैशेस है। सही, कहते हैं जैसे ही आके कैथोड रेज इसके ऊपर टकराएंगे ना जिंक सल्फेट की प्लेट पे, ये प्लेट किसकी है, ये जो प्लेट है ये हमारे पास है जिंक सल्फेट की। कहते जैसे ही आके ये रेज जिंक सल्फेट की प्लेट पे टकराती हैं तो फ्लैशेस पैदा होते हैं, कौन सी चीज पैदा होती है, फ्लैशेस। चले जी, अब सेकंड प्रॉपर्टी, व्हेन दीज रेज जब ये जो रेज हैं आर स्ट्राइक्ड जब ये रेज आकर टकराती हैं किस चीज की प्लेट में, ऑन जिंक सल्फेट प्लेट या जिंक सल्फेट के प्लेट पर टकराते हैं तो ये पैदा करते हैं फ्लैशेस, चमकदार रोशनी पैदा करते हैं। सही है, चमकदार रोशनी। अब इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो कहता है जी इलेक्ट्रॉन का मास, ये इलेक्ट्रॉन है, सही है, और ये हमारे पास प्रोटॉन है। सही, कहता है इलेक्ट्रॉन का मास अगर देखा जाए प्रोटॉन के मास के हवाले से तो प्रोटॉन का मास 1836 गुना ज़्यादा होता है बनिस्बत इलेक्ट्रॉन के, 1836 गुना ज़्यादा होता है किसकी नस्बत,
इलेक्ट्रॉन यूनिट, इसको अपने जहन में अच्छे तरीके से रखिएगा। द मैस ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? द मैस, जो मास होता है किस चीज का, ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मैस इज होता है 1836 टाइम्स 1836 गुना ग्रेटर देन द के मुकाबले में देन द मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में 1836 गुना ज़्यादा होता है। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये आपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ी होगी, जो एटॉमिक मैस अगर निकालना हो ना किसी भी एटम का, सही मैं कहता हूँ ये मेरे पास एटम है, मैं इसका एटॉमिक मैस निकालना चाहता हूँ। एटॉमिक मैस निकालने के लिए आपको दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। पहले नंबर पर आपको इलेक्ट्रॉन, सही है, न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सही मैं कहता हूँ ये वाले प्रोटॉन है, दो प्रोटॉन है इसके अंदर और दो ही न्यूट्रॉन है, सही है, और साथ में दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेल मूव कर रहे होते हैं। हम जब भी कहते हैं कि एटम का मैस जो होता है वो इन दो को जमा करो तो एटम का मैस आ जाता है, मैस ऑफ एटॉमिक मैस जो होता है, एटॉमिक मैस वो बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं ऐड करते, मैस तो ओवरऑल का होता है, सही है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं हम यूज करते, इसका मैस ना होने के बराबर है। मैं कहता हूँ जी ये अगर इसको मान के अंदर करेंगे ना तो मैं इसको 40 में तकसीम करता हूँ, ये ऑलमोस्ट बन जाएगा 4 × 16 × 5 × 20 ये 45, मैं कहता हूँ सपोज के 45 मन, ऑलमोस्ट ये वाली चीज़ 45 मन बन रही है, एक साइड पर 45 मन चीज़ एक साइड पड़ी हुई, 1 किलोग्राम एक साइड पर, मैं कहूँ इन दोनों कंपैरिजन कर दो, आप कहेंगे ये तो ना होने के बराबर है, 45 मन एक साइड पे और 1 किलोग्राम एक साइड पे। इसलिए हम जब भी मैस निकाल रहे होते हैं क्या करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करते हैं, मैस निकाल लेते हैं और इलेक्ट्रॉन के मैस को निगलेक्ट कर देते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, ये होता है मैस, ये बात याद रखिएगा, हम यूज़ नहीं करते। जिसे हम कहते हैं जब भी मैस निकालो एटम का दरमियान के न्यूक्लियस का मैस निकाल लें, अगर मैं न्यूक्लियस का साइज बताऊं तो आप हैरान रहेंगे कि इतना छोटा होता है न्यूक्लियस। कहते हैं अगर न्यूक्लियस का साइज का अंदाज़ा लगाना हो तो आप एक फुटबॉल का जो ग्राउंड होता है ना, उस पूरे ग्राउंड, ये इस तरह कुछ ग्राउंड होता है हमारे पास फुटबॉल का, सही है, अब पूरे ग्राउंड के बिल्कुल मिडल में आप जाकर फुटबॉल रख दें, जो फुटबॉल होगी वो एटम का न्यूक्लियस है, पूरे का पूरा ग्राउंड जो है वो एटम है सर, न्यूक्लियस इतना छोटा होता है, सही है, ये सिंपल सी बात आपने जहन में बिठा लेनी है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट एक बात है वो ये कहता है ई ओवर एम वैल्यू को थोड़ा सा डिस्कस कर रहा है, सही है, मैं ई ओवर एम वैल्यू को थोड़ा सा पहले सीख लें कि हाँ ये ई ओवर एम, ई रिप्रेजेंट करती है चार्ज को, सही है, और एम किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, मैस को, सही है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, अपने जहन बिठा लीजिएगा, अगर नीचे वाली चीज़ कम हो जाए तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाएगी, सही, मैं चार्ज को सेम रखा, मैं कहता हूँ ऊपर भी 1 है, नीचे वाली चीज़ 2 है, सही है, अब मैंने क्या किया, 2 की जगह पे 1 कर दिया, सही है, 2 की जगह पे 1 कर रहा हूँ तो मतलब क्या है कि ओवरऑल मैं इसकी वैल्यू को क्या कर रहा हूँ, डिक्रीज कर रहा हूँ, वैल्यू को क्या कर रहा हूँ, डिक्रीज कर रहा हूँ। अब यहां पे इसको कैलकुलेट करके निकाल लें तो क्या बनेगा, 0.5, और यहां पे कैलकुलेट करके निकाले तो क्या बनेगा आंसर, 1। देखो जैसे ही नीचे वाली चीज डिक्रीज हुई ओवरऑल आंसर क्या हो गया, बढ़ गया भाई, इतनी की बात ध्यान में रखिएगा, सही, क्योंकि हमने आगे सारी की सारी चीजों को डिस्कस करना है। कहता है जब एक क्वेश्चन भी आता है, इस जो लास्ट वाला पॉइंट है इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, पास्ट पेपर में काफी सारे शॉर्ट क्वेश्चन आ चुके हैं इसमें से, सही, पहला शॉर्ट क्वेश्चन ये आता है, कहते हैं प्रूव डैट आप किस तरह साबित कर सकते हैं, प्रूव डैट आप किस तरह साबित कर सकते हैं कि ई ओवर एम वैल्यू ऑफ
कैनाल रेज, कैनाल रेज की जो ई ओवर एम वैल्यू होती है, कैनाल रेज इज स्मॉलर देन, इज स्मॉलर देन, ये कम होती है किसकी निस्बत कम होती है, स्मॉलर देन कैथोड रेज, कैथोड रेज, कैथोड रेज की निस्बत कम होती है। ये आप किस तरह साबित कर पाएंगे? चलिए, सबसे पहली बात आपने जो जहन में रखनी है वो ये है कि कैनाल रेज असल में कौन सी चीज़ होती है। यहाँ मैंने लिखा कैनाल रेज असल में पॉजिटिव रेज होती है, प्रोटॉन होते हैं। कैथोड रेज क्या होती हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चलो जी, ये दो बातें हमने कर ली। अब हमें पता है, ये एक मैंने बात अभी बताई है कि प्रोटॉन का मैस इलेक्ट्रॉन के मैस से क्या होता है, 1836 गुना ज़्यादा होता है। तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही इसका आंसर स्टार्ट करेंगे। ई ओवर एम वैल्यू, ई ओवर एम वैल्यू ऑफ कैनाल रेज, कैनाल रेज, कैनाल रेज की जो ई ओवर एम वैल्यू होती है इज स्मॉलर, ये छोटी होती है किसकी निस्बत, देन द कैथोड रेज, देन द कैथोड रेज, कैथोड रेज, कैथोड रेज की निस्बत स्मॉलर होती है। रीजन क्या है? बिकॉज, क्योंकि। अब खुद सोच के बताइएगा मुझे, ई ओवर एम वैल्यू है, ई ओवर एम वैल्यू, सही मैं प्रोटॉन के लिए निकालने लगा हूं, प्रोटॉन का मैं मैस कहता हूं, अगर इसका मैस इलेक्ट्रॉन का वन है तो प्रोटॉन का क्या होगा, 1836, सही है। मैं प्रोटॉन के लिए निकाल लेंगे ई ओवर एम 1836, और यहाँ पे ई मैं सपोज करता हूँ, ई भी सपोज कर लेते हैं जी वन है, चार दोनों पे क्या है, वन, वैसे होता भी वन ही है, एक ऊपर प्लस वन होता है, एक ऊपर माइनस वन होता है, सही। इसकी वैल्यू निकाले, वैल्यू निकालने के बाद हमने यहाँ पे कहा जी मैस इसका वन है, क्योंकि हमने कहा था इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का है, सही, और ये प्रोटॉन का। अब इन दोनों कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, आपको पता चलेगा इसकी ई ओवर एम वैल्यू इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा है, इसकी तो बहुत कम आ रही है, सही है। कितनी कम हो गई, 1836 गुना, सही। क्यों कम है? क्योंकि प्रोटॉन का मैस 1836 गुना बड़ा है। चलें, अब हमने आगे रीजन लिखने, बिकॉज द मैस ऑफ प्रोटॉन, बिकॉज द मैस ऑफ प्रोटॉन, जब प्रोटॉन का मैस होता है वो क्या होता है, इज 1836 टाइम, 1836 टाइम्स, कहता है जो प्रोटॉन का मैस होता है वो 1836 गुना लार्जर होता है या हायर होता है, हायर देन द, देन द मैस ऑफ, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के मैस से हायर होता है। जब मैस 1836 गुना हायर है तो ई ओवर एम वैल्यू क्या हो जाएगी, 1836 गुना कम हो जाएगी। सो द ई ओवर एम वैल्यू, द ई ओवर एम वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ कैनाल रेज, कैनाल रेज इज 1836 टाइम्स, 1836 टाइम्स स्मॉलर, जो कैनाल रेज की जो ई ओवर एम वैल्यू होगी वो 1836 गुना कम होगी एज कंपेयर टू किसके मुकाबले में, कैथोड रेज के मुकाबले, एज कंपेयर टू कैथोड रेज, कैथोड रेज के मुकाबले में, कैथोड रेज। इसी टॉपिक में से जो एक पॉइंट है, इसमें से एक और भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो वो कहता है हाउ यू प्रूव दैट हाइड्रोजन हैज़ हाईएस्ट ई ओवर एम वैल्यू अमंग ऑल एलिमेंट, यह साबित कर दें कि जो हाइड्रोजन है इसकी हाईएस्ट ई ओवर एम वैल्यू होती है, सही। ये पास्ट पेपर में आ चुका है, प्रूव डैट, प्रूव डैट, हाँ, प्रूव डैट ई ओवर एम वैल्यू, जो ई ओवर एम वैल्यू है ऑफ किस चीज की, हाइड्रोजन एटम इज हाईएस्ट, इज हाईएस्ट, ये सबसे ज्यादा है, कहाँ, किन से, हाईएस्ट अमंग ऑल एलिमेंट, अमंग ऑल एलिमेंट्स। चले जी, अब एक बात याद रखिएगा, आपके पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब एलिमेंट्स में
जो हाइड्रोजन का मास है वो सबसे कम है, बाकी सब एलिमेंट का मास हाइड्रोजन के मास से ज्यादा है। अब खुद सोचें, अगर ये चीज सबसे कम है तो ओवरऑल आंसर क्या होगा? सबसे बड़ा। ओवरऑल आंसर सबसे बड़ा हो जाएगा। तो इसी वजह से जो ई ओवर एम वैल्यू हाइड्रोजन एटम की है वो क्या है? सबसे हाईएस्ट है। यही बात हमने यहां पे लिख के इसको खत्म करते हैं। द ई ओवर एम वैल्यू, द ई ओवर एम वैल्यू डिपेंड ऑन अच्छा, ई ओवर एम वैल्यू दो चीजों पे डिपेंड कर रही होती है। पहले नंबर पे चार्ज, क्योंकि दो ही चीजें हैं, और सेकंड नंबर पे मास। चार्ज की हम बात नहीं करेंगे, सिर्फ उसी मास को लेके चलेंगे। ई ओवर एम वैल्यू डिपेंड ऑन मास ऑफ एलिमेंट चलिए जी, और एक और बात करें, एज वेल एज चार्ज मास पे भी डिपेंड कर रही होती है और चार्ज पे भी डिपेंड कर रही होती है। नाउ द मास, और अब हम अगर मास की बात करते हैं, नाउ द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो हाइड्रोजन एटम का जो मास है इज स्मॉलेस्ट, ये सबसे छोटा है अमंग ऑल एलिमेंट्स। जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, इन सब एलिमेंट्स से हाइड्रोजन का मास सबसे छोटा है। अमंग ऑल एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में ऑलमोस्ट 118 एलिमेंट्स हैं, इन सब एलिमेंट्स से हाइड्रोजन का मास सबसे छोटा है। जब मास सबसे छोटा है तो ओवरऑल आंसर ई ओवर एम वैल्यू सबसे बड़ी होगी। सो ई ओवर एम वैल्यू जो ई ओवर एम वैल्यू होती है ऑफ किस चीज़ की? ऑफ हाइड्रोजन एटम इज हाईएस्ट, ये सबसे बड़ी होगी, हाईएस्ट अमंग ऑल एलिमेंट्स। चलिए जी, एक लास्ट में एक बात करते हैं, ख़त्म करते हैं। कहते हैं जो प्रोटॉन को प्रोटॉन का नाम दिया गया, वो साइंसदान का नाम रदरफोर्ड था। रदरफोर्ड ने कैनाल रेज को प्रोटॉन का नाम दे दिया, सही है? कैनाल रेज सही है जी, हमने सारा पढ़ लिया है। और अब ये बच्चा पूछ रहा है कैनाल रेज डिस्कवर किसने की थी? गोल्डस्टीन साइंसदान था जिसने डिस्कवर की थी, सही। अब कैनाल रेज को प्रोटोन का नाम देने वाला साइंटिस्ट कौन सा था? रदरफोर्ड ने दिया नेम ऑफ कैनाल। असल में रदरफोर्ड ने इसको कैनाल, नेम ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का नाम दिया। किस चीज को नाम दिया? ऑफ कैनाल रेज, कैनाल रेज को प्रोटॉन का नाम दिया। अगर कैनाल रेज पे या प्रोटॉन पे बात की जाए, चार्ज कितना था? +1 चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, सही। एक बात हमने पॉइंट लिखा जी, इसका मास क्या है, चार्ज क्या है। तो पहला जो पहला पॉइंट है इसमें चार्ज की बात की है, दूसरे पॉइंट में हमने, तीसरे पॉइंट में मास की बात की है, एक पॉइंट हमने कहा जी अगर जिंक सल्फेट की प्लेट के ऊपर जाके आपके प्रोटॉन टकराते हैं तो क्या काम होता है, वहाँ फ्लैशेज पैदा होते हैं। और लास्ट वाली जो चीज़ें दो तीन हैं, इनमें हमने ई ओवर एम वैल्यू को एक्सप्लेन किया है कि अगर ई ओवर एम वैल्यू हाई हो, हाई कब होगी, लो कब होगी, ई ओवर एम वैल्यू डिपेंड किस चीज़ पे कर रही होती है, सही है। कैथोड रेज की ई ओवर एम वैल्यू ज़्यादा क्यों होती है, सही है। हाइड्रोजन की ई ओवर एम वैल्यू सबसे हाईएस्ट क्यों है, ये तो चंद एक चीज़ें हमारे पास। चले बच्चे, आज के लेक्चर में यही है। अल्लाह हाफिज़।